ई यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी शॉपिंग मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए थे लेकिन मैं उनको अपलोड नहीं कर सकी तो आज की वीडियो में सारे क्लिप्स में इकट्ठे करके एक वीडियो बना रही हूँ तो सबसे पहले ये मैंने अपना ईद का ड्रेस मंगवाया था ऑनलाइन और अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स वो ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मैंने खुद से जाके परचेज किया है और ये आजकल बहुत ज़्यादा रिवाज चला हुआ है कटवर्क और चिकन कारी का तो ये मस्टर्ड कलर का ड्रेस मुझे अच्छा लगा था इसका दामन देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ है बड़े अच्छे चिकनकारी का इस पर काम हुआ हुआ है और ये इसका सिंपल ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था इनफैक्ट दुपट्टे की वजह से ही मुझे ड्रेस अच्छा लगा ब्लैक और मस्टर्ड का कॉम्बीशन है मैंने काफ़ी अर्से से मस्टर्ड कलर नहीं पहना था तो सोचा इस दफा ये कलर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरा ईद का ड्रेस Uh, क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने लाइट कलर सेलेक्ट किया है और शॉमी की वेबसाइट से मैंने इसको ऑर्डर किया था और उन्होंने ये देखिए कार्ड भी भेजा है थैंक यू का तो ये अभी मैं इसको ओपन करती हूँ आप ओपन करके दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ओपन किया है ये शर्ट है ट्राउज़र और साथ ये दुपट्टा है और दुपट्टे के साइड पे भी ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो लाइट कलर मैंने इस दफ़ा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर डार्क कलर्स थे और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ज़रा लाइट कलर अच्छा लगता है तो बताइएगा कि मेरा ये ईद का ड्रेस कैसा है और इन मैं आपको इसको जब सिलवा लूँगी तो फिर भी दिखाऊँगी मुझे पिंक कलर और ब्लैक कलर बहुत पसंद है तो पिंक कलर की कोई भी चीज मुझे नज़र आ जाए ना तो बस मेरा दिल करता है मैं वो खरीद लूँ तो ये चलते चलते मुझे एक टू पीस ड्रेस जो है वो अच्छा लग गया मेरी आंखों को भाग गया तो मैंने कहा चलो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए घर में पहनने के लिए ले लेते हैं तो ये लॉन् का ड्रेस है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी ये ट्राउजर है और साथ ये प्रिंटेड शर्ट है तो ये भी एक मैंने ड्रेस लिया था इन इसको अच्छा सा स्टिच करवाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा शुरू होने से पहले मैंने कुछ क्रॉकरी भी ली थी ये देखें ये बड़ी सी बाल्टी पानी के लिए न्यू बेलन लिया था क्योंकि पहले वाला जो बेलन था वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के इस्तेमाल के लिए ये मैंने कुछ प्लेट्स ली हैं ये देखें दो बाउल हैं इस तरह ये दो सालन के लिए प्लेट्स हैं और इसी तरह ये दो जो बड़ी प्लेट्स होती हैं चावलों के लिए ये तो ये डेली इस्तेमाल के लिए मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की थी फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड गए हुए थे चाइना वापसी पे रुके थे कतर में वहाँ से ये कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी आ, ये जो पहले आपने देखा ये थे काजू और ये है जी डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है इन तक बहुत गर्म होती है चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं लेकिन फिर भी मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है तो ये डार्क चॉकलेट के दो पैकेट्स थे और ये है चोको डेट्स खजूरें होती हैं जो कि अच्छे से चॉकलेट में डिप होती हैं ये भी बहुत मज़े की होती हैं तो ये दो तीन चीज़ें मेरे खाने के लिए दी और ये इनको गिफ्ट मिला इनके चाइना के फ्रेंड ने इनको दिया है हवावे वॉच जी टी थ्री प्रो बहुत अच्छी वॉच होती है ये काफ़ी फंक्शन होते हैं इसमें मेरे हस्बैंड बता रहे थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है तो मैं इनसे कह रही थी कि इसको ओपन करके मुझे दिखाएं भी मैंने वीडियो बनानी है और ये भी इनको एक गिफ्ट मिला है एक बहुत ही क्यूट सी यू थी ये देखें ये भी बहुत क्यूट सी है तो ये कुछ चीज़ें थी अभी वॉच को ओपन करते हैं और देखते हैं मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी एक वॉच है और वो भी काफ़ी अच्छी वॉच है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कह रहे थे कि इसको नहीं ओपन करते ऐसे ही पड़ी रहे तो मैंने कहा नहीं भाई ओपन करके दिखाएं मैंने वीडियो बनानी है तो अभी ये ओपन कह रहे हैं देखेंगे उसके बाद हम लोग इसको रख देंगे शाम बच जाएंगे तो ये चीज़ें रख देंगे अभी कुछ और चीज़ें भी हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ पहले ये वॉच देखते हैं ये देखें जी प्यारी है जो पहले है ना वो भी सेम ऐसी ही है और इन वॉचेस में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और ये काफ़ी काम की होती हैं मुझे तो इतना ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इनके पास काफ़ी इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं जब पाकिस्तान से ये लोग जाते हैं तो उनके लिए आ, लेदर से बनी हुई चीज़ें गिफ्ट के तौर पर लेकर जाते हैं और वो लोग जब देते हैं तो इस तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें इनको गिफ्ट करते हैं तो ये देखिए ये इस तरह की है काफ़ी अच्छी है चलें जी इसकी तो वीडियो बन गई अब आपको एक और क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ ये देखें मेरे हस्बैंड चाइना में जिस जगह गए हुए थे बता रहे हैं कि उस सिटी वो जो सिटी है वो मशहूर है पांडास के लिए ना तो वहाँ पर हर चीज़ उन्होंने पांडा से रिलेट बनाई हुई है रिलेटेड बनाई हुई है तो वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के इनको चीज़ें नज़र आ रही थी तो उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत क्यूट लगा था तो मैंने आपके लिए ले लिया तो ये मज़े का है हैरिस का साइड पे करते हैं और ये एक इनको और गिफ्ट मिला है ये भी मैं ओपन करती हूँ आपको दिखाती हूँ इस तरह के ना चाइना के बहुत सारे चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हुई हुई हैं ये देखें स्टैचू एक स्टैचू सा बना हुआ है वहाँ के लोग ना इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करते हैं तो ये बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सब चीज़ें ओपन की थी अभी जब हम इस्लाबाद जाएंगे तो मैं इनको रखाऊँगी वहाँ पर तो ये थी फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाई है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर बताइएगा और मेरे जो ईद के दोनों ड्रेसेस हैं उनके बारे में भी बताइएगा और ये जो मुझे गिफ्ट मिले हैं प्यारे से क्यूट से इनके बारे में बताइएगा कि आपको कैसे लगे थैंक यू अला हाफिज़